हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैंने ना वीडियो शूट की है ये कंसील प्लस परफेक्ट मिलानी का फाउंडेशन का रिव्यू चेहरा देखें मेरा कितना फुल कवरेज फाउंडेशन लगा के रखा है मैंने आज मैं एक फ़ाउंडेशन की रिव्यू करने वाली हूँ आपके साथ ये फ़ाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पुराना है मुझे लग रहा सात आठ साल पुराना होगा पर मैं काफ़ी लंबे समय से ये फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स एंड मैसेजेस आते रहते हैं मेरी फुल कवरेज फाउंडेशन वाली वीडियोज़ पर कि आप अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे इसको रिव्यू करना चाहिए आपके लिए क्योंकि ये अच्छी ऑप्शन हो सकती है अफोर्डेबल बट हाई एंड क्वालिटी की कवरेज एंड फिनिश एंड लॉन्ग लास्टिंग इसी फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं ये फाउंडेशन है मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट टू इन वन फाउंडेशन एंड कंसीलर सो ये जो है ये कंसीलर का, का काम भी करता है एंड फाउंडेशन का भी अगर आप स्पॉट कंसील करने के लिए इसे एज अ कंसीलर यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि जो इसका फार्मूला है और इसकी कंसिस्टेंसी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी थिक किस्म की है पर ये अच्छा है ऑयली स्किन के लिए कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एंड ड्राई स्किन वाले लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये जो फाउंडेशन है आपको 45 डिफरेंट शेड्स में मिल जाएगा सो शेड की रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्जैक्ट आपकी स्किन के जैसा मैच मिल जाए बट मैं दो डिफरेंट फाउंडेशन को मिक्स करके मेरा फेवरेट शेड बनाती हूँ जो कि है सेवन सैंड एंड जीरो फाइव नेचुरल बेस्ट ये जो फाउंडेशन है ये क्लेम करता है कि ये मीडियम टू फुल कवरेज है जो सारा दिन रहेगा एंड इसकी जो फिनिश है वो नेचुरल मैट किस्म की है बहुत ज्यादा मैट नहीं है लॉन्ग वेयर ऑयल फ्री फार्मूला है स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है यह एक्ने या पिंपल्स हैं ये एक और खास है कि ये वाटर प्रूफ है एंड स्वेट प्रूफ है सो so आप स्विमिंग पूल में पहन सकते हैं एंड ऑल्सो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है पसीने छूटते हैं तो उसके लिए भी ये फ़ाउंडेशन अच्छा काम कर सकता है इनका क्लेम है कि ये स्वेट प्रूफ है एंड अदर इस ब्रांड की अच्छी चीज़ है कि ये क्रूल्टी फ्री है ये एनिमल पर टेस्टिंग करते हैं सो so, इस फाउंडेशन का प्राइस है अराउंड 10 से 14 डॉलर के अंदर अंदर मैं ज़्यादातर सुपर स्टोर फार्मेसी से ख़रीदती हूँ तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल पे होता है 999 होता है इसका प्राइस सो कंपेयर टू अदर ड्रग स्टोर फाउंडेशन इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी एंड कवरेज के हिसाब से क्योंकि यूजली आजकल क्या है कि जो भी लॉरियल रेवलॉन के फाउंडेशन है वो ट्वेंटी डॉलर प्लस हो चुके हैं ट्वेंटी फाइव हैं सो so ये दस का है बारह का समझ लें सो so काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर फाउंडेशंस ये फाउंडेशन मेरे लिए नया नहीं है काफ़ी समय से मैं इसको पहन रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है लाइक ड्रग स्टोर फाउंडेशन में जो मेरे फेवरेट है उनमें एक ये भी है सो uh, so, आज मैं आपको एप्लीकेशन करके बताऊंगी कि मेरे चेहरे पे स्कार्स कैसे हैं और ये कैसे कवर कर देता है थोड़े से प्रोडक्ट के साथ ही तो so, जल्दी से जंप इन करते हैं एप्लीकेशन करके बताती हूँ मैं आपको कि ये कैसी फिनिश देता है मेरे चेहरे पे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ एंड बहुत ज़्यादा इनफॉर्मेशन देती हूँ ताकि आप सारे मेकअप के एक्सपर्ट बन जाए कर बैठे बैठे ही सो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को आप मिस नहीं करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं सारे ही लिंक डिस्क्रप इन बॉक्स में है सो so, अगर आपके चेहरे पे स्कार्स हैं तो मेकअप करने से पहले सनस्क्रीन को लगाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा सन से क्योंकि सन आपके स्कार्स को और ज्यादा डार्क करता है तो जरूर से सनस्क्रीन लगाएं एंड अगला स्टेप होने वाला है सीधा फाउंडेशन एंड फाउंडेशन का जो शेड मैं यूज करने वाली हूं वो है 07 सैंड ये अच्छा मैच है मेरे चेहरे पे पर थोड़ा डार्कर साइड पे है पर बिकेज मैं मेरे फेस को हाईलाइट करना पसंद करती हूँ तो ये अच्छा ठीक है बट जो एक्चुअल मेरे चेहरे के साथ अच्छा मैच करता है नंबर वो है ज़ीरो फाइव ए नैचुरल बेस पर आज मैं यही वाला ट्राई करने वाली हूँ ये फाउंडेशन कई बार मैं ना इन दोनों शेड्स को मिक्स करके भी यूज़ कर लेती हूँ पर आज हम पहले सिर्फ सैंड ही लगाएंगे अभी ये जो फ़ाउंडेशन है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है सो so, एक ही पंप लिया है मैंने तो so, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है इसकी जो कंसिस्टेंसी है आई डोंट नो उन लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं पर आप इसमें कोई सिरम ऐड कर सकते हैं या मॉइस्चराइजिंग क्रीम ताकि आपके चेहरे को उतना ड्राई नहीं लगे सो uh, so, मैंने लिया है सिमोर का ये बहुत ही प्यारा सा डेंस ब्रश मेकअप फाउंडेशन ब्रश Uh, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे पास मेकअप ब्रशेस की पूरी किट है जिससे आप पूरा मेकअप uh, कर सकते हैं एट ब्रशेस है उसमें सो so, ये है फाउंडेशन ब्रश इससे मुझे मेकअप uh, लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो ब्रश uh, है वो ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है पर अगर आपको शेयर किस्म की कवरेज चाहिए और आपके चेहरे पे स्कार्स नहीं है तो आप ब्लेंडर यूज़ करें ब्यूटी ब्लेंडर और कोई भी स्पॉन्ज सो so, थोड़ी अमाउंट में मैं लेने वाली हूँ और स्कार लाइक like, प्रॉब्लम वाले एरिया से शुरू करेंगे डबिंग मोशन में आपको शायद पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये शेड कैसा मैच हो रहा है मेरी स्किन पे पर इस फाउंडेशन की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है सो so, अगर आप पूरा अपने चेहरे से मिलता करेंगे वो थोड़ा डार्क हो जाएगा लेटर पर ये मेरा इतना बड़ा कंसर्न नहीं है क्योंकि मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी लेटर पर एक ही बार में मेरा स्कार आपको दिखेगा नहीं कि इतनी अच्छी कवरेज है इसकी अभी ये जो फाउंडेशन है इन्ना नवा तो है नहीं काफी पुराना है पर मैंने देखा कि अभी ड्रग स्टोर फाउंडेशन जो है वो भी एटीन 20 डॉलर्स तक हो चुके हैं पर ये वो वाला फाउंडेशन है जो आपको 10 डॉलर में मिल जाएगा 11 डॉलर में मिल जाएगा सो so, अच्छा इसका प्राइस अच्छा है कंपेयर टू तो अदर ड्रग स्टोर फाउंडेशन एंड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कवरेज के हिसाब से अभी मेरी स्किन ऑयली है ऑयली एंड कम्बिनेशन स्किन के लिए तो ये परफेक्ट है पर जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई है वो इसमें कोई सिरम ऐड कर सकते हैं या बहुत ही अच्छा अपनी स्किन को प्रैप करें हाई तरीके से तो आप ये फाउंडेशन यूज कर सकते हैं इस फाउंडेशन की जो फिनिश है वो सर्टिन किस्म की है मैट नहीं है अभी इस फाउंडेशन को यूज करते हुए मुझे बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं सो so, मैं इसके बारे में विचार आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि ये कैसा है सो डबिंग मोशन में सारे चेहरे पे हम फाउंडेशन को लगा लेंगे अगर आपका फाउंडेशन का शेड आपकी गर्दन से डिफरेंट है तो आपको सारी तरफ लगाना चाहिए ताकि सारा इक्को जैसा लगे डिफरेंट नहीं लगे सो so, एक ही पंप से सारा मेरा फेस हो चुका है कवर बट अगर आपको लगता है कि आपको और फाउंडेशन की ज़रूरत है तो आप इसको बिल्ड कर सकते हैं सो so, मैं थोड़ा सा और रस कार एरिया में लगा लूंगी एंड मुझे दिखी नहीं रहा का रख दिया मैंने सो अराउंड हाफ पम्प लेंगे और सेम ब्रश के साथ एक बार बिल्ड कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिल्डेबल है अभी ये जो फाउंडेशन है बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है उन लोगों में जो जिनके चेहरे पे स्कार्स एंड पिंपल्स हैं एक्ने हैं क्योंकि मोस्टली जिनके चेहरे पे एक्ने होता है उनकी जो स्किन है वो ऑयली होती है एंड ऑयली स्किन के लिए ये जो फार्मूला है बेस्ट है इस तरह मेरा जो फाउंडेशन की एक लेयर वन एंड हाफ लेयर हो चुकी है एंड स्कॉर्स आप देखिए ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं इसके बाद आपको फाउंडेशन को सेट करने की ज़रूरत है पर मैं मेरे फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ उसके लिए मैं यूज़ करूँगी एल्फ का हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर इस uh, शेड का नाम है लाइट uh, क्योंकि जो मीडियम है वो मेरी स्किन के जैसा ही हो जाता है लेटर हाई लाइक हाईलाइट नहीं होता मेरा चेहरा तो so, मेकअप को सेट करने के लिए यूजली मैं पाउडर फाउंडेशन यूज़ करती हूँ उसके लिए कई बार मैं मैक यूज़ कर लेती हूँ पर इसका शेड जो है मेरे पे डार्क है एन सी फोर्टी टू एन सी थर्टी टू मेरे पे अच्छा मैच है पर वो था नहीं तो मैंने यही ले लिया या सम डेज ये चल जाता है जैसे अब समर्स फिनिश हुई है तो मेरा चेहरा थोड़ा डार्क है नॉर्मल के मुकाबले जो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इसी की कवरेज देखना चाहते हैं तो मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से ही मेरे चेहरे को सेट कर लूँगी अभी हम इस वीडियो को अफोर्डेबल रखना चाहते हैं तो मेरे पास दो डिफरेंट ऑप्शन हैं लूज पाउडर की एक तो ये कटरीज का लूज पाउडर है इसका शेड कौन सा है इसका शेड है येलो मैट बहुत अच्छा आ... पाउडर है बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी का है क्योंकि कई होते हैं थोड़े मोटे वो आपकी फ़ाइन लाइन में भर जाते हैं अजीब से लगते हैं पर ये आप ख़रीद सकते हैं एंड अदर वन है मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बेकिंग पाउडर इसका शेड भी मुझे लगता है ओ, बनाना है इसका शेड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पर अगर आप हाई एंड खरीदना चाहते हैं तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है लॉरा मर्सली का और मैंने बहुत सारे ट्राई करे हैं पर हमेशा मैं उसी पर वापस आती हूँ सो so, इसकी ये प्रॉब्लम है इसको लगाएंगे अभी इसका टक्कन भी इतना ज़्यादा छोटा है यूजली मैं टक्कन में डाल के लगा लेती हूँ कैसे लगाएं आप ऐसे ही लगाएंगे सो तो इसी ब्रश को लेते हैं एंड हमारे फेस को थोड़ा सेट कर लेते हैं इससे आपको कवरेज नहीं आएगी कोई क्योंकि ये सिंपल ट्रांसलूसेंट पाउडर है बट आपका जो मेकअप है वो सेट हो जाएगा मेकअप को सेट करना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अदरवाइज़ फिर वो ट्रांसफ़र होगा कपड़ों पर फ़ोन पे हर जगह पर एंड रहेगा नहीं अगर आप उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो ज़रूर से सेट करें इट डजेंट मैटर कि आपकी स्किन ड्राई है ऑयली है ऑयली को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर ड्राई है ना तब भी थोड़ा सा लेके हल्के हल्के हाथ से अपना फ़ेस ज़रूर से सेट करा करें सो so, हमने कंसीलर यूज़ नहीं किया सिर्फ इस एरिया में लाइक अंडर आइज़ को हाईलाइट किया है पर इस फाउंडेशन uh, की कवरेज देखें कि इस में पूरी तरह घुम चुके हैं बेकेज ये कंसील प्लस परफेक्ट है और आप इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर सम डेज आप सिर्फ़ कंसीलिंग करना चाहते हैं लाइक like, मेरे एवरी डे रूटीन जैसे कि मैं पूरा फेस पे फाउंडेशन एंड सेट नहीं करती हूँ सिर्फ स्पॉट कंसील कर लेती हूँ देन एम डन अभी ब्लश भी थोड़ा सा लगाना मैं पसंद करती हूँ ये मिलानी का लुमनोसो ब्रश ब्लश है मुझे इसका शेड बहुत ज़्यादा पसंद है ब्राउन स्किन पर बहुत अच्छा लगता है एंड मैंने आपको कहा था ज़रूर से खरीदना एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी ये ब्राउन स्किन वाले गर्ल्स को कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और उनके पास होने ही चाहिए उनमें से मुझे लगता है ये भी मैंने रेकमेंड किया था जिसने भी खरीदा उनको बहुत अच्छा लगा है ये एंड उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी अगर आप देखना चाहें तो सो so, ब्लश लगा लें एंड बिक मुझे थोड़ा चेहरा uh, uh, हमने हमारे फेस को काउंटर नहीं किया है तो उसको एक मिनट पहला ना प्रोडक्ट चाक लूँ नहीं तो मेरा ध्यान नीचे रहता है ओके okay, सो so, अगर आपने चेहरे को कॉन्ट्र ना करो ना तो वो अजीब सा फ्लैट सा दिखता है तो हम थोड़ी सी शेडो क्रिएट करेंगे उसके लिए मैं मेबलिन का सिटी ब्रांजर यूज़ कर रही हूँ वैसे ये सिर्फ फाउंडेशन की वीडियो पर मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बता देना चाहती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ स्मार का एंगल ब्रश लेने वाले हैं एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे एंड हम हमारे चेहरे को लिटिल बिट कॉन्ट्र कर लेंगे स्पेशली इस हेयर लाइन पे क्योंकि इधर चिट्टा चिट्टा जहाँ हो जाता है ना वो ऐसे अलग से लगता है दूर से पता चल जा कि मेकअप करके आए थोड़ा सा नोज़ को भी इसके बाद जिस ब्रश से फाउंडेशन लगाया था उसी से इसको सेटल कर देंगे जो कुछ ओवर है वो थोड़ा सूरज ना कभी आ रहा है कभी जा रहा है तो मेरा चेहरा कभी बढ़ना ज़्यादा वाइट हो जाता है सो so, इस तरह हमारा फाउंडेशन हो चुका है जल्दी से मैं आए मेकअप कर लेती हूँ थोड़ा सा पर या ये अच्छा मैच है मेरी तड़ के साथ सरन तड़ का मैच है थोड़ा सा मेकअप करने के बाद वापस आती हूँ एंड हम बात करेंगे कि आपको ये फाउंडेशन ख़रीदना चाहिए सो so, मेकअप करने के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ आई मेकअप एंड ब्रोज को फिल करने के बाद एंड ये मेरा कायंडा उन दिनों का मेकअप लुक है जब मैं मेकअप करना चाहती हूँ यूजली मैं सिर्फ मेरे स्कार्स को ही थोड़ा सा स्पॉट कंसील करती हूँ देन आई एम गुड टू गो तो अब ये जो मेरा फाउंडेशन है कुछ इस तरह का लग रहा है सो so, मेरी स्किन काइंड ऑफ ऑयली है आपको ऑयल ऐसे नजर नहीं आएगा बट बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है मेरी स्किन मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा वाइट एंड ब्लैक हेड वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं है। पर इस जो फाउंडेशन की लास्टिंग पावर है मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आठ नौ घंटे के लिए बहुत ज़्यादा गुड रहेगा ये मीडियम टू फुल कवरेज है पर अगर आप इसको थोड़ा सा शेयर चाहते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आ, सस्ते फाउंडेशन में और जो आपकी स्किन को अच्छी तरह कंसील कर दे स्पेशली अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं एक्ने हैं एंड स्कार्स हैं तो ये फाउंडेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी एंड uh, इसकी जो क्वालिटी है ऑफ हाई एंड फाउंडेशन जैसी है एंड मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं ये फाउंडेशन यूज़ करती हूँ मेरी स्किन ब्रेकआउट नहीं होते हैं इस फाउंडेशन के लिए बिग यस यस है ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पुराना है इतने सालों के बाद रिव्यू करने का रीज़न यही है कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है कम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए ड्राई स्किन पे भी ये वर्क कर सकता है क्योंकि ये आपकी स्किन को मैट एंड टाइट नहीं करता एस्टिल ऑर्डर बहुत सारे लोगों का फेवरेट फाउंडेशन है डबल वेयर मैं उसको नहीं लगा पाती हूँ अभी मेरी स्किन ऑयली है पर वो मेरी स्किन भी इतना ज़्यादा टाइट फील होता है ना मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा लिया है सो so, ये वैसी फिनिश वैसी फीलिंग नहीं देता है सो ड्राई स्किन वाले लोग भी इसको लगा सकते हैं सो so येस yes, दोस्तों इस वीडियो के साथ बस इतना ही उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और अगर आप ये फाउंडेशन ऑलरेडी यूज़ करते हैं ट्राई कर चुके हैं तो अपने रिव्यूज़ मेरे साथ जरूर से शेयर करना एंड अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट बार में कुछ भी छोड़ सकते हैं अपने विचार मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें यू का अ ब्यूटिफुल दीडियो You are stay happy, confident, and strong. We guys can do any freaking thing. I love you guys so very much. Bye bye.